पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू का अच्छा परिणाम देखने को मिला है। इसके कारण एक सप्ताह का पूरे यूटी में कोरोना लॉकडाउन लगाया गया है। समझता हूं कि ये धार्मिक त्योहारों का अवसर है, पवित्र रमजान चल रहा है, बावजूद इसके ये कड़ा फैसला आप सबको सुरक्षित रखने के लिए करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए रफ्तार को रोकने के लिए आप सबका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू का अच्छा परिणाम देखने को मिला है। इसके कारण एक सप्ताह का पूरे यूटी में कोरोना लॉकडाउन लगाया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आवश्यक न हो तो कृपा करके घर से न निकलें। जितने सुरक्षित हम रहेंगे और जो SOPs हैं कोविड को लेकर के, मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, तो मुझे लगता है कि हम सब कोरोना के संक्रमण के चेन को रोकने में निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ आपके साथ खड़ा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य नागरिक को कोई कठिनाई न हो, दवाइयां हो, ऑक्सीजन हो, इसकी कमी न होने दी जाए, इसके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। मैं अपने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके सामान्य नागरिकों की सेवा में पूरा समय दिया है। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, सामान्य लोगों को उनके घरों तक, जिनको संक्रमण हुआ है या जिनको लक्षण है, डॉक्टरों की राय से 10 दिन की दवा कोविड किट के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्त में ये दवा हर व्यक्ति तक पहुंचे। मैं फिर से आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये धार्मिक त्योहारों का अवसर है, पवित्र रमजान चल रहा है, बावजूद इसके ये कड़ा फैसला आप सबको सुरक्षित रखने के लिए करना पड़ा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब, हम सब मिल करके आइए, सामान्य मानवीय के जीवन की रक्षा करें और इस संक्रमण के चेन को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। धन्यवाद।